हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल के वाई क्रिएशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम कुछ इस टाइप की अमेजिंग फ्लोटिंग करने वाले हैं स्नैपचैट ऐप में। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने स्नैपचैट ऐप ओपन करके रखा है। अब हम क्लिक करेंगे इस प्लस वाले आइकन पर और पहले हम अपने बैकग्राउंड ऊपर लेंगे सेलेक्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कर लिया सेलेक्ट। अब हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाला आइकन पे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके अब हम क्लिक करेंगे डबल एक्सपोजर वाला आइकन पे, उसके बाद इमेज प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने पहले फोटो कर लेंगे सेलेक्ट। और यहाँ पे मैंने पहले फोटो कर लिया सेलेक्ट। अब हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे ओपेसिटी वाले आइकन पे, उसके बाद ओपेसिटी को फुल करके अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अब हम क्लिक करेंगे ऊपर अंडो वाले ऑप्शन पे, उसके बाद क्लिक करेंगे व्यू एडिट पे, उसके बाद डबल एक्सपोजर आइकन पे क्लिक करके मिडिल में ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करना है। अब हम क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड नीचे वाला आइकन पे, उसके बाद हमारे साइड साइड में जो बैकग्राउंड हो चुका है हम इसे इरेज कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से रेस्ट करने के बाद अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अब हम बैक करेंगे, अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाला आइकन पे, उसके बाद अगेन डबल एक्सपोजर वाला आइकन पे क्लिक करके इमेज प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और अपने सेकंड फोटो कर लेंगे सेलेक्ट। सेकंड फोटो को सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अब हम क्लिक करेंगे ओपेसिटी वाला आइकन पे, उसके बाद ओपेसिटी को फुल करके अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे ऊपर अंडो वाले ऑप्शन पे, उसके बाद व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डबल एक्सपोजर वाला आइकन पे क्लिक करके मिडिल में ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करना है। अब हम क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड नीचे वाला आइकन पे, उसके बाद हमारे साइड साइड में जो बैकग्राउंड हो चुका है हम उसे अच्छे से रेस कर लेंगे। अगर आपको ये फोटो एडिटिंग वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे से रेस करने के बाद अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अब हम बैक करेंगे, अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पे, उसके बाद अगेन डबल एक्सपोजर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इमेज प्लस आइकन पे क्लिक करके हम अपने पीएनजी को करेंगे सेलेक्ट। पीएनजी को सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्लिक करेंगे मिडिल वाले आइकन पे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करके अब हम ओपेसिटी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पे, उसके बाद अगेन डबल एक्सपोजर आइकन पे क्लिक करके इमेज प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने सेकंड पीएनजी को करेंगे सेलेक्ट।
पीएनजी को सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे मिडिल वाले आइकन पे, उसके बाद लाइटिंग पे क्लिक करके हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हम इसे सिंपली टर्न कर लेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पे, उसके बाद अगेन डबल एक्सपोजर वाले आइकन पे क्लिक करके इमेज प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। हम अपने थर्ड पीएनजी को कर लेंगे सेलेक्ट। पीएनजी सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे मिडिल वाले आइकन पे, उसके बाद लाइटिंग पे क्लिक करके हम इसे भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हम इसे सिंपली टर्न कर लेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पे, उसके बाद स्क्रॉल अप करके हम क्लिक करेंगे ट्यून इमेज पे, उसके बाद हम अपने पिक्चर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इसे सिंपली टर्न कर लेंगे और अपने पिक्चर को लेंगे सेव। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें।